हेलो डगिस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड टेक्निकल आश्रम। सो फ्रेंड्स, शाओमी आपके लिए यहाँ लेके आ गया है रेडमी 5। सो फ्रेंड्स, शाओमी लगातार अपने फोन लॉन्च करे जा रहा है और ये अपना नया फोन लेके आ गया, शाओमी रेडमी 5। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं और आप जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस और प्राइजेस इंडिया में। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो एंड हैव अ लुक टू द स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइजेस ऑफ शाओमी रेडमी 5। तो फ्रेंड, शाओमी आपके लिए लेके आ गया है शाओमी रेडमी 5, जो कि 2018 के स्टार्टिंग में ही उसका दूसरा फोन है। ये लगातार फोन लॉन्च करने जा रहा है, सो पता नहीं कि शाओमी क्या कहना चाहता है। सो फ्रेंड, शाओमी ने यहाँ लॉन्च कर दिया शाओमी रेडमी 5, सो उसके स्पेसिफिकेशंस आज हम देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्पेसिफिकेशंस की हम बात करते हैं, यहाँ आपको डिस्प्ले साइज मिलने वाली है 5.7 इंच स्क्रीन साइज विद द रिजोल्यूशन ऑफ 720x1440 पिक्सल्स और स्क्रीन रेशियो आपको यहाँ मिलने वाला है 18:9 का। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको स्क्रीन के जो कॉर्नर्स है वो आपको यहाँ कर्व मिल जाएंगे चारों साइड से। सो फ्रेंड्स, इफ हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन को लेके, तो यहाँ आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है बट अनस्पेसिफाइड वर्जन है, सो संभाल के यूज करना आपके रिस्क पे। जैसे कि वो लिखा होता है पार्किंग एट योर ओन रिस्क, सो वो यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इफ हम बात करते हैं यहाँ कैमरा को लेके, सो फ्रेंड्स कैमरा आपको यहाँ रियर में मिलने वाला है 12 मेगापिक्सल का कैमरा विद एपरेचर f2.2 और पिक्सल साइज आपको यहाँ मिलने वाले 1.25 माइक्रोन की। सो अच्छा है, शाओमी का कैमरा है, अभी तक तो कंप्लेंट ज़्यादा नहीं सुनी, सो इसमें भी हम नहीं सुन पाएंगे। सो फ्रेंड्स, फ्रंट में हम बात करते हैं, आपको मिलने वाला है 5 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि LED फ्लैश के साथ मिलता है, जो बस ज़्यादा कुछ फीचर नहीं है यहाँ पे आपको। और रियर में तो फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और ड्यूल टोन LED फ्लैश वो सब तो मिल ही रहा है आपको। सो फ्रेंड्स, इफ हम यहाँ बात करते हैं एंड्रॉइड वर्जन को लेके, सो फ्रेंड्स एंड्रॉइड वर्जन में यहाँ शाओमी ने कुछ गलत कर दिया है, यहाँ आपको दे दिया है 7.1.2 नोगट का वर्जन जो कि काफी पुराना है यार। ओरियो के जमाने में आप लेके आओगे, बाबा आदम का जमाना कहाँ जाएगा यार फोन। सो देखेंगे कब तक ओरियो का लॉन्च आता है। सो फ्रेंड्स, इफ हम बात करते हैं यहाँ बैटरी को लेके, सो फ्रेंड्स बैटरी आपको यहाँ मिलने वाली 3300 mAh की बैटरी। और प्रोसेसर को लेके हम यहाँ बात करते हैं, तो आपको यहाँ मिलने वाले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का नया लेटेस्ट 450 प्रोसेसर जो कि है ऑक्टा कोर। और यहाँ रैम को लेके हम बात करते हैं, तो रैम और स्टोरेज की साथ में बात करनी पड़ेगी बिकॉज दोनों में तीन वेरियंट्स है। सो फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं सबसे पहले वेरियंट की जो कि है 2GB रैम और 16GB स्टोरेज, और दूसरा है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, और जो थर्ड है वो है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। सो काफ़ी अच्छा किया है तीनों वेरियंट्स में। प्राइसेस के भी काफ़ी डिफरेंस है, 1000 या 2000 रुपीज़ का डिफरेंस है। सो ये काफ़ी अच्छा किया है शाओमी ने। सो फ्रेंड्स, इफ हम यहाँ बात करते हैं अब लास्ट में प्राइजेस को लेके, सो फ्रेंड्स प्राइजेस आपको यहाँ मिलने वाला है इस फोन के, जो 2GB रैम और 16GB रैम 16GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आपको यहाँ मिलने वाला है 7999 यानी कि 8000 रुपीज़ का आपको यहाँ मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, इफ हम बात करते हैं 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरियंट वाला, सो फ्रेंड्स आपको यहाँ मिलने वाला है 8999 यानी कि 9000 रुपीज़ में। और जो 64GB स्टोरेज कैपेसिटी और 4GB रैम वाला वेरिएंट है वो ही आपको 2000 इंक्रीज करके यहाँ मिल जाएगा 10999 यानी कि 11000 रुपीज़ में। सो फ्रेंड्स, प्राइजेस के हिसाब से तो शाओमी हमेशा ठीक ही करता है। शाओमी के आज तक अगर मैं कहूँ तो हर एक वेरिएंट्स में उसके हर एक प्राइस वेरिएंट में उसके फ़ोन्स मिल जाएंगे। 6 से लेके स्टार्ट होते हैं वो 15 तक आपको हर एक वेरिएंट में फ़ोन मिलने वाले हैं, जिसका जितना बजट है वो जाके उतने फ़ोन ले लो। और मेरे हिसाब से शाओमी ने साल के स्टार्टिंग में ही दूसरा फ़ोन लॉन्च कर दिया, तो शाओमी को मेरे ख्याल से सेल्स में थोड़ी दिक्कत आने वाली है बिकॉज उसके खुद के फ़ोन ही अंदर अंदर कंपटीशन करेंगे कि यार ये ले वो ले वो ले कौन सा ले, पता नहीं, पब्लिक फुल कंफ्यूज होने वाली है। सो देखते हैं अब क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बस अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आप ज़रूर जाके ले सकते हैं, बस आपको चूज़ करना होगा कि स्टोरेज वेरियंट और रैम वेरियंट कौन सा ले। सो फ्रेंड्स, 2GB वाला वेरिएंट तो अभी लेने से बेटर ही नहीं है बिकॉज उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। सो लेना हो तो 3GB और 4GB दोनों में से कोई एक वेरिएंट आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बस यही थे मेरे कुछ व्यूज़ और स्पेसिफिकेशंस इस फोन के। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, और नीचे कमेंट सेक्शन में व्यूज़ और रिव्यूज़ डालना मत भूलना। और आपको आपको चाहिए कि मैं कोई सजेस्टेड वीडियो बनाऊँ आपके लिए, सो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं आपके लिए पक्का कोई सजेस्टेड वीडियो आपका बना दूंगा। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो के एंड में आ गया है हॉर्न, इरिटेटिंग एंड इरिटेटिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेक्निकल आश्रम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट नीचे लाल बटन से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से दबा दो,
कुछ टेक्निकल आपने इसको करना नहीं है, जाके सिर्फ क्लिक करना है और बाजू में घंटा भी दबा देना, बेल आइकन दबा देना, तो जिसके ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन कभी भी वीडियो अपलोड करेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स टाटा बाय बाय, यहाँ पे भी लिंक आ जाएगी, यहाँ पे भी यहाँ से भी आप कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो, जाके जल्दी से दबा दो प्लीज़ यार, दबा दो, गरीब मेहरबानी कर दो, दबा दो प्लीज़, बाय।